हेलो स्टूडेंट, वेलकम एसडीएस विद्यापीठ इलाहाबाद यूट्यूब चैनल। आई एम एएन वर्मा, एसडीएस विद्यापीठ इलाहाबाद। टुडे आई विल टीच यू क्लास सेकेंड सब्जेक्ट इंग्लिश, लेसन 11, द फूलिश टॉर्टोइज। द फूलिश टॉर्टोइज यानी कि मूर्ख कछुआ। इस कहानी में एक कछुआ की मूर्खता के बारे में बताया गया है, जिसे हम और आप पढ़ेंगे और आप लोग इसे ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। कहा गया है, वंस अपॉन ए टाइम इन ए जंगल। एक बार एक जंगल में, कहा गया है, एक बार एक जंगल में, देयर लिव्ड ए टॉर्टोइज एंड टू स्वैन्स नियर ए स्मॉल लेक। लेक मीन्स होता है झील, स्वैन्स मीन्स होते हैं हंस, नियर मीन्स पास। यानी कि कहा गया है, एक बार एक जंगल में एक कछुआ और दो हंस एक छोटी झील के पास रहते थे। दे वेर वेरी गुड फ्रेंड्स, वे बहुत अच्छे दोस्त थे। एंड और स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम, स्पेंड मीन्स व्यतीत करते थे, मोस्ट ऑफ देयर टाइम अधिकतर समय, टेलिंग कहने में, स्टोरीज ऑफ ईच अदर, कहानियाँ एक दूसरे को। यानी कि कहा गया है, वे अपना अधिकतर समय यानी ज़्यादातर समय एक दूसरे को कहानियाँ सुनाने में बिताते थे। सडनली अचानक, वन ईयर यानी कि अचानक एक साल, देयर वाज ए ड्रॉट इन दैट जंगल यानी कि अचानक एक साल उस जंगल में सूखा पड़ा। ड्रॉट, DROUGHT, ड्रॉट मीन्स होता है सूखा पड़ना। इन दैट जंगल, उस जंगल में एक साल सूखा पड़ गया। एवरीथिंग, सूखा पड़ गया, एवरीथिंग वेंट ड्राई इंक्लूडिंग देयर लेक यानी झील सहित सब कुछ सूख गया। ऐसा सूखा पड़ा कि झील सहित सब कुछ सूख गया। सम ऑफ द एनिमल्स लेफ्ट इन सर्च ऑफ वाटर यानी कि सम मीन्स कुछ जानवर हैं पानी की तलाश में निकल गए। यानी कि सम ऑफ द एनिमल्स लेफ्ट यानी तलाश इन निकल गए इन सर्च ऑफ वाटर यानी कि पानी की तलाश में निकल गए। एक साल अचानक बाढ़ आया, सूखा पड़ा और उस सूखे में झील सहित सब कुछ वहाँ पे सूख गया और जानवर जो हैं पानी की तलाश में वहाँ से निकल गए। कुछ जानवर हैं यानी कि सम एनिमल्स। द टॉर्टोइज एंड द स्वैन्स वेर वरीड यानी कछुआ और हंस चिंतित थे। वरीड मीन्स चिंता, चिंतित थे। दे डिसाइडेड टू फाइंड ए सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम यानी कि वो चिंतित थे, उन्होंने इस समस्या का हल खोजने का फैसला किया। बट लेकिन एवरी एफर्ट वेंट इन वेन यानी कि समस्या का हल खोजने का फैसला किया लेकिन हर प्रयास क्या हुआ, व्यर्थ गया। एफर्ट यानी हर प्रयास व्यर्थ हुआ। वन डे एक दिन, वन ऑफ द स्वैन्स सेड एक दिन एक हंस ने, एक दिन हंस में से एक ने कहा, आवर लेक इज ऑलमोस्ट ड्राई
ड्राई मीन्स सूखा, और लेक यानी कि हमारा झील जो है क्या हो गया, लगभग सूखी है, हमारा झील जो है लगभग सूखी है। हाउ कैन वी लिव विदाउट वाटर, यानी कि हमारी झील सूखी है, बिना पानी के हम कैसे रह सकते हैं। हाउ कैन यानी कैसे, वी लिव रहना विदाउट वाटर, बिना पानी के हम कैसे रह सकते हैं। सडनली अचानक द टॉर्टोइस हैड एन आइडिया, अचानक जो है कछुओं को एक विचार आया, आइडिया मीन्स विचार आया। एंड ही सेड, और उसने कहा डोंट वरी, उसने कहा डोंट वरी यानी कि आप घबराइए मत, आप घबराइए मत, आप चिंता मत करो। वी विल फाइंड ए वे आउट, यानी कि हम एक रास्ता निकाल लेंगे। वी विल फाइंड ए वे आउट मीन्स रास्ता निकालना। आई हैव एन एक्सलेंट प्लान, यानी कि आप लोग घबराइए मत, चिंता मत कीजिए, मैं एक रास्ता निकाल लेंगे, मेरे पास एक उत्कृष्ट योजना है। आई हैव एन एक्सलेंट प्लान यानी कि एक अच्छा उत्कृष्ट योजना, प्लान मीन्स योजना है। फर्स्ट ऑफ यू यानी उसने कहा पहले आप, सबसे पहले आप, यू टू फाइंड द लेक फुल ऑफ वाटर, सबसे पहले आप दोनों लोग पानी से भरी यानी कि कोई भी झील या कुछ भी खोज लें। देन ब्रिंग मी ए स्टिक, फिर मुझे एक छड़ी ले आवे। आई विल होल्ड ऑन द मिडिल ऑफ द स्टिक, यानी कि आप लोग छड़ी ले आवे, मैं छड़ी के बीच में पकड़ूंगा, और एंड बोथ ऑफ यू होल्ड द टू एंड्स, और आप दोनों उस छड़ी के दोनों सिरे को पकड़ेंगे। एंड कैरी, और पकड़कर मी टू द न्यू लेक, और पकड़कर मुझे नए झील तक ले जाएंगे। हियरिंग दिस यानी यह सुनकर द स्वैंस गॉट वेरी हैप्पी, यह सुनकर हंस बहुत खुश हुए। बट लेकिन वाइल आफ्टर ए वाइल द क्वेश्चनेड हिम, लेकिन उसने कहा, यह सुनकर हंस बहुत खुश हुए, लेकिन थोड़ी देर बाद उन्होंने चेतावनी दी। क्वेश्चनेड मीन्स चेतावनी देना किसको, उसे। योर प्लान इज टू गुड, यानी कि आपका जो राय है वो क्या है, बहुत यानी कि योजना बहुत अच्छा है। लेकिन बट वाइल वी आर फ्लाइंग, लेकिन जब हम उड़ रहे हो तो टेक केयर ध्यान दीजिएगा दैट यू, यानी कि जब हम उड़ रहे हैं तो ध्यान रखें कि आप अपना, शुड नॉट ओपन योर माउथ, यानी कि ध्यान रहे कि आप अपना मुंह नहीं खोलेंगे, न खुलना चाहिए। अदरवाइज अन्यथा यू विल फॉल डाउन एंड डाई, अन्यथा अगर आपका मुंह खुल गया, उसके हंसों का कहने का मतलब यही था कि मुंह नहीं खोलना चाहिए, अन्यथा नीचे गिरकर मर जाएंगे। डाई मीन्स मरना, डाउन मीन्स नीचे, फॉल मीन्स गिरना। द टॉर्टोइस प्रॉमिस यानी कि टॉर्टोइस ने क्या किया, उन्हें वादा किया, प्रॉमिस मीन्स वादा किया, टू कीप क्वाइट थ्रू आउट हिज जर्नी, यानी कि कछुए ने वादा किया क्या कि मैं मुंह नहीं खोलूँगा।
कछुए ने अपनी यात्रा के दौरान चुप रहने का वादा किया। अंदर वन इज द स्वेंस फाउंड द लेक एंड कम बैक टू द टॉर्टोइज विद ए स्टिक। यानी कि उसके बाद क्या हुआ, हंसों ने झील को पाया और छड़ी के साथ कछुए के पास वापस आ गया विद ए स्टिक। दे सेड, वे कहे, दोनों हंसों ने कहा, नाउ यू कैच होल्ड ऑफ दिस स्टिक। यानी कि उन्होंने कहा, अब आप इस छड़ी को पकड़ें। कहा छड़ी को पकड़ें, कैच होल्ड एंड छड़ी को कैच पकड़ना मीन्स होल्ड ऑफ दिस स्टिक सो दैट वी कैन गो। यानी कि छड़ी को पकड़ें ताकि हम जा सकें। कैरिंग द टॉर्टोइस द स्वैन फ्लीव अवे टू न्यू प्लेस। यानी कि उसके बाद उन्होंने कछुओं को ले जाने के लिए हंस की नई जगह पर उड़ गए। उन्होंने कछुओं को लेकर हंस जो है कि नई जगह पे उड़ गए। दे ट्रैवल, उन्होंने यात्रा किया ओवर हिल्स यानी कि पर्वतें एंड वैलीज यानी कि पर्वत और घाटियों की यात्रा की। एंड सून, और जल्द ही वन ऑफ द स्वैन, और जल्द ही एक हंस ने कहा, टोल्ड द अदर स्वैन, यानी जल्द ही एक हंस ने दूसरे हंस से कहा, दैट वी आर एंटरिंग ए टाउन विच इज एट ए लिटिल। यानी कि अब हम जल्द ही एक शहर में प्रवेश कर रहे हैं विच इज एट ए लिटिल डिस्टेंस फ्रॉम हेयर। यानी कि उन्होंने क्या किया, उड़ना हंसों में से एक हंस ने दूसरे हंस को बताया कि हम एक शहर में प्रवेश कर रहे हैं। का कहना में हम एक शहर में प्रवेश कर रहे हैं और यहाँ से थोड़ी दूरी पर है। यानी विच इज ए लिटिल डिस्टेंस फ्रॉम हेयर। एस दे फ्लू ओवर द टाउन, यानी कि उन्होंने शहर के ऊपर से उड़ने लगे। फ्लू मीन्स उड़ना। ओवर द टाउन यानी कि शहर के ऊपर से उड़ने लगे। पीपल ऑन द रोड्स सेड देम एंड बिगेन टू एक्सक्लेम। यानी कि जब उन्होंने शहर के ऊपर से उड़ने लगे तो क्या हुआ, सड़क पर मौजूद लोगों ने उन्हें देखा और बहस करने लगे, लुक अबाउट एट दोस क्लेवर बर्ड्स। यानी कि देखो उस चालाक पक्षी को, यानी कि उन्होंने ऊपर देखा, ऊपर उन चालाक पक्षियों को देखो, देर आर कैरिंग समथिंग। यानी कि ऊपर चालाक पक्षियों को देखो, वे कुछ ले जा रहे हैं। इट इज ए टॉर्टोइस, क्या है ये, यह एक कछुआ है। सून ए क्राउड गैथरेड बिलो दम एंड एवरीबडी वॉज टॉकिंग अबाउट द स्वैंस एंड द टॉर्टोइस। यानी कि वहाँ पे ज़्यादा भीड़ हो गई और उन्होंने कहा यह एक कछुआ है। भीड़ उनके नीचे जमा हो गई और हर कोई हंस और कछुए के बारे में बातें करने लगे। दम एंड एवरीबडी यानी हर कोई वॉज टॉकिंग बातें अबाउट द स्वैंस एंड द टॉर्टोइस। यानी हर कोई हंसों और कछुओं के बारे में बात करने लगे। द टॉर्टोइस व्हेन हर्ड द नॉइस,
जब बातें कर रहे थे तो क्या हुआ? नीचे आने वाले शोर को सुनकर कछुआ हैरान हो गया। When heard the noise coming from down below, he was surprised. यानी कि उनकी बातों को सुनकर, शोर को सुनकर कछुआ हैरान हो गया। Surprise means हैरान हो जाना। Forgetting that he does not have to speak, he said. उसने अपने आप के कहा कि मुझे भूलना नहीं है कि मैं बोलना पड़ूं। What is all that excitement about? यानी कि सबके बारे में उत्साह क्या है? Me? यानी कि मैं? Oh, the poor fellow forgot to keep shut and fell down on the ground and died. यानी कि कछुए ने भीड़ देख के उसने अपने आप में सोचा, अरे सबके बारे में उत्साह क्या है, मैं, सब लोग मेरी तारीफ कर रहे हैं। इतना सोच के और जो भी मुंह खोला और उसे मुंह बंद रखना चाहिए था, भूल गया और जमीन पर गिरकर मर गया। डाउन, फेल डाउन ऑन द ग्राउंड एंड डाइड। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार मूर्ख कछुआ ने अपनी मूर्खता के कारण ही अपनी स्वयं की जान गंवा दी। इसलिए कहा गया है प्यारे बच्चों, हमेशा समझदारी से भी कोई भी काम लेना चाहिए। तो यह लेसन आप अगर अच्छी तरह से इसको देखेंगे, इस वीडियो को, और समझेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।